जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा। ऑब्वियसली वो एक ऐसी ट्वीट थी कि जिससे सारे लोग तो परेशान हो गए कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने कैसी ट्वीट कर दी। आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी और वो भारत दिलवाएगा आपको। और उन्होंने क्यों कहा इस तरह के अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए? इनके जो हमने गले से पट्टा क्या खोला है इनके, ये तो काटना शुरू कर दिया सब। इमरान खान जो है तो वो भी इंडिया के बारे में सारा टाइम लगे रहते हैं, दबा के इंडिया को जो है वो जवाब देते रहते हैं। दूसरी बात देखिए, इमरान खान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, सर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई भी इमरान खान को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली सारा टाइम क्योंकि नरेंद्र मोदी को बड़ा टफ टाइम देता रहता है। ये जितना भी बोलते हैं ना, तालिबान को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करते हैं तालिबान को, ये वो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाप रहते हैं तालिबान के पाकिस्तान, इनकी तालिबान से कशीदगी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको टीटीपी ठोकेगा सर पूरी तरीके से ना। जवाब जो है हम वो 14 अगस्त के हवाले से दें जिससे पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ होगी। आज की तारीख जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें कि मेजर गौरवारिया ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं, कहां कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, भिखारीस्तान में हिंदू मंदिर को भिखारियों ने तोड़ा तो उसका गुस्सा मुल्क में रहने वाले हर हिंदू भाई बहन को हुआ। इस पर मेजर गौरव आर्य जी ने बताया कि भारत इसका बदला ज़रूर लेगा और पाकिस्तानियों की चीखें निकलने वाली हैं अगले 6 महीनों में। वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 14 अगस्त की ट्वीट से पड़ोसियों की चीखें निकल गई हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ताहिर गोरा साहब और रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य जी की इस बारे में बेहतरीन डिस्कशन और कमर चीमा की भी मोदी जी की ट्वीट से चीखें निकली हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाइए। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद जय भारत। ये बहुत ही दुख भरी घटना है और कोई नई घटना नहीं है सर। जैसा मैंने अभी पीछे कहा, बदकिस्मती से ये आए दिन का वाकया है। तो ये जो अभी रिसेंट वाकया है, जो जख्म हमारे भरते ही नहीं है, वो फिर ये हुआ, तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है? देखिए ताहिर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि ये दंदनाते हुए जैसे चलते रहते हैं ना, ये मंदिर तोड़ा, ये तोड़ा, ये सब, ये चलेगा नहीं इनका। और दे विल पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस, दे आर पेइंग अ हैवी प्राइस। अगर इनको ये लग रहा है कि यू नो, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने इस चीज से बिल्कुल नजरें फेर ली, हम पाकिस्तान की तरह, ये इमरान खान की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर बढ़के नहीं मारते, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते, हमें जो करना है हम करेंगे, ये कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि इसका दाम जो है ना ताहिर साहब, इसका दाम बहुत बहुत गहरा है इसका दाम, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है, इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती सर, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया, ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा, इंडिया विल इंश्योर कि ये नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्लोगारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेररिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा, और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान, ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है ना, आज की तारीख जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें कि मेजर गौरव आर्य ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं, कहां कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा। कि कल आप ये ना बोलें किसने ऐसी हवा में थुर्रा मार दिया था, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से चीखें निकलेंगी इनकी। और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़ा। इमरान खान
क्या बोलता है क्या नहीं बोलता सर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई भी इमरान खान को सीरियसली नहीं लेता। वो उन्होंने क्या बोला कि स्पोर्ट्स में मेरी ट्रिपल PhD है, ऐसा तो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का सर, वो कुछ भी बोल देता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये सब चीजें रोकना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए, ये एक 8 या 9 साल का बच्चा कुछ कहता है जिसको होश ही नहीं है। 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश कि मैं हिंदू क्या मुसलमान क्या हिंदू, उसको नहीं पता सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर, और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई। और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये बहुत हद से आगे निकल गए, आउट ऑफ कंट्रोल। इनके जो हमने गले से पट्टा क्या खोला है इनके, ये तो काटना शुरू कर दिया सर। अब रुक जाइएगा, आप देखते रहिए इनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये चारों तरफ से घिर जाएंगे और इनकी जेब कट चुकी होगी। उस दिन हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि चलो एक और मंदिर है पाकिस्तान में, जरा इसको तोड़ के दिखाओ, हम चाहते हैं कि तुम मंदिर तोड़ो जरा। ये मेरे लिए कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन वाले कि ये साजिश करता है मेजर। मैंने कौन सी साजिश करी सर, मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं कि तुम्हारे मुल्क के टुकड़े, इसमें साजिश कौन सी है सर। पाकिस्तानी इस मामले में गलत नहीं कह रहे, हम तो पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का ढोल बजाना है सर। ये जितना भी बोलते हैं ना तालिबान को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करते हैं तालिबान को, ये वो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाप रहते हैं तालिबान के पाकिस्तान में, इनकी तालिबान से कशीदगी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको TTP ठोकेगा सर पूरी तरीके से। कल जो ट्वीट हुई उसका जिक्र ऑब्वियसली करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट जो थी। ऑब्वियसली वो एक ऐसी ट्वीट थी कि जिससे सारे जो लोग हैं वो बड़े कई लोग तो परेशान हो गए कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने कैसी ट्वीट कर दी। अमूमन हमें पता है इस चीज का कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी एक उन्होंने अपनी एक लाइन ली हुई है पाकिस्तान के बारे में जब से वो पावर में आए हुए हैं, और उन्होंने क्यों कहा इस तरह के अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए कि जी जो 14 अगस्त है वो एक हॉरर की तरह याद किया जाएगा। लोग जो है वो देखिए, यादें तो अच्छी किसी की भी नहीं है। वायलेंस हुआ, नफरत फैली, और वो नफरत को अगर हम उसी तरह याद करते रहेंगे और आज भी नफरत फैलाते रहेंगे तो हम तो वही काम कर रहे हैं ना जो 75-80 साल पहले हुआ। फिर यहाँ पे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली सारा टाइम, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बड़ा टफ टाइम देता रहता है, जो इंडिया पे तनकीद होती है तो उसको फिर नरेंद्र मोदी और मेरा ख्याल है उनकी जो सरकार, उन्होंने सोचा कि हमारे पास मौका है कि हम भी उसको उसी जो है वो कॉइन में जवाब दें, और वो जवाब जो है हम वो 14 अगस्त के हवाले से दें जिससे पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत बड़ा जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो यही चाहता है कि इंडिया के साथ हालात खराब रहें, या लड़ाई हो, या आपस में ये हॉस्टिलिटी मेंटेन रहे। इमरान खान जो है वो जब ऑपोजिशन में थे तो थोड़े बड़े ठंडे थे, अब हुकूमत में हैं तो वो भी इंडिया के बारे में सारा टाइम लगे रहते हैं और दबा के इंडिया को जो है वो जवाब देते रहते हैं। फौज जो है, इंडियन फौज जो है वो हमें मिठाइयाँ भेज रही है, इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो हमें मिठाइयाँ भेज रहे हैं, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं।